प्रधानमंत्री मोदी के वादों और दावों की हवा उनकी पार्टी के नेता निकाल रहे हैं। यूपी में घाघरा नदी के एक बांध के निरीक्षण में एक साथ दो दावों की हवा निकलती दिखी। आप भी देखिए और बताइए इस बीमारी का इलाज क्या है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में दो हस्तियां नजर आएंगी। अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो इन्हें पहचानने में वक्त लगेगा। पहले हैं यूपी सरकार में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह, साथ में महिला हैं बाराबंकी की बीजेपी सांसद प्रियंका सिंह रावत। दोनों पहुंचे हैं गंगा की सहायक नदी घाघरा नदी पर टूटे एल्गिन चरसरी बांध का निरीक्षण करने। इन दोनों से जुड़ी पहली तस्वीर देखिए। इन दोनों के पैरों की जमीन के नीचे गौर कीजिए, आपको दिखेगा पहले हरा कारपेट और फिर दिखेगा लाल कारपेट। ये किसी सरकारी समारोह स्थल का नजारा नहीं है, ये है घाघरा नदी के बीचों बीच का दृश्य, जहां मंत्री जी के पैरों में रेत न छू जाए इसलिए ये कारपेट बिछाए गए हैं। जब एबीपी न्यूज ने सवाल पूछा तो मंत्री साहब का जवाब सुनिए। इस पर कार्रवाई की हमने डांट दिया, उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि नदी पवित्रता है। अरे रेत हमारे पैरों पर लगता तो और पवित्र हो जाते, पर हम तो फिर रेत में ही चले, उस पर नहीं चले थे। ये तो तय है कि गर्मी बहुत है। बीजेपी सांसद प्रियंका सिंह रावत को प्यास लगी और उन्होंने पानी पिया, लेकिन ये क्या, बोतल को नदी में फेंक डाला। सवाल पूछा गया तो टाल गए। पानी पी रहे थे और पानी की बोतल आपने नदी में फेंक दिया? नहीं, गलत। मंत्री महोदय और सांसद महोदया इस कैमरे की तस्वीरों पर नजर डाल लेंगे तो आप दोबारा इसे झुठला नहीं पाएंगे। सवाल ये है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को उनके सांसद ही पतीला लगा रहे हों तो भला बाकी लोगों से क्या उम्मीद करें। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।